दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज फिर से कुछ हरियाणा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आ जाने, तो आइए शुरुआत करते हैं कि हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन है। तो हरियाणा की पहली प्रथम जेल सत्याग्रही कौन है, तो ये है चांदबाई। चांदबाई का संबंध कहाँ से है, सिरसा से है। हरियाणा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, सभी जानते हैं 1 नवंबर को मनाया जाता है। हरियाणा उदय कब हुआ, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 2020 में कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया है, तो 55वां हरियाणा दिवस 2020 में मनाया गया है। इसके बाद हरियाणा राज्य का पर्यटक दिवस, हरियाणा राज्य का पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा राज्य का पर्यटक दिवस आपका 1 सितंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। इनका संबंध कहाँ से था, रेवाड़ी से था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये काबुल के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। 1857 की क्रांति असफल होने के बाद ये यहाँ से भाग के काबुल चले गए थे। तो इनकी याद में ये कौन सा हरियाणा का वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को हम हरियाणा वीर शहीदी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि हरियाणा के किस लोक गायक पर रिसर्च और अनुसंधान किया गया है, तो ये हैं आपके पंडित लक्ष्मीचंद। और पंडित लक्ष्मीचंद ये हैं जिन पे आपका रिसर्च और अनुसंधान किया गया है। और हरियाणा का अनपढ़ कवि किसको कहा जाता है, तो ये भी आपके अनपढ़ जो कवि हैं इनको किस नाम से जानते हैं, तो ये भी आपके पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि पंजाब चंडीगढ़ को कब दिया गया था, यानी चंडीगढ़ पंजाब को कब दिया गया था, तो 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया था। देश का सबसे लंबा आदमी विकास कुमार उपल, जो 8 फुट 2 इंच का है, राज्य के किस शहर का है, तो ये भी आपका रोहतक जिले से संबंध रखता है। रोहतक का पुराना नाम क्या है, तो रोही टिका के नाम से रोहतक को हम जानते हैं। रोही टिका, रोही टिका रोहतक का पुराना नाम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हिंदी के समर्थन में सत्याग्रही आंदोलन करने वाले किस राज्य के जिले के हैं, तो हिंदी के समर्थन में सत्याग्रही आंदोलन करने वाले राज्य से रोहतक और हिसार, जो कि हरियाणा के अंदर आपका है। इसके बाद बोगनवेलिया के पुष्प की सर्वाधिक खेती कहाँ की जाती है, तो बोगनवेलिया जो पुष्प है आपका, इसकी सर्वाधिक खेती सोहना पर्यटक स्थल में की जाती है। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि बोगनवेलिया के पुष्प सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं, तो सोहना पर्यटक स्थल में मिलते हैं। तो सोहना में आपका एक गर्म पानी का चश्मा भी है जिसको सोहना कुंड के नाम से हम जानते हैं। तो ये सोहना कुंड के अंदर जो पानी है किस कारण से आपका गर्म होता है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका गंधक और फास्फोरस आपका पाया जाता है। इस कारण ये पानी क्या होता है, गर्म होता है, इसीलिए ये गर्म पानी का चश्मा कहलाता है। और यहाँ पे स्नान करने से जो चर्म रोग हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसके बाद रजनीगंधा के पुष्प सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो ये हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में है। फरीदाबाद किसके नाम पे बसाया गया था, तो शेख बाबा फरीद के नाम पे बसाया गया था। मुगलों से किस तरह से संबंधित हैं, तो ये मुगलों के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये किसके गुरु थे, तो ये आपके भाई साहब जहांगीर के गुरु थे। कौन, शेख मोहम्मद बाबा फरीद। इसके बाद बात करें आगे कि एनसीआर में हरियाणा के कुल कितने जिले सम्मिलित हैं, तो 14 जिले जो हैं हरियाणा के वो एनसीआर में शामिल हैं। और जो सबसे नया जिला है जो शामिल हुआ है वो है आपका चरखी दादरी। चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला है बनने वाला, तो ये चरखी दादरी आपका 22वां जिला है। हरियाणा सरकार के कैशलेस ऐप का नाम क्या है, तो हरियाणा सरकार के कैशलेस ऐप का जो नाम है वो है आपका मोर खीसा। तो मोर खीसा जो है ये हरियाणा की कैशलेस ऐप है। और जो चालान कटते हैं या फिर चोरी हुए वाहनों को ढूंढने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, तो कैच एंड मीट ऐप आपकी जो है वो लॉन्च की गई है। हरियाणा राज्य के किस जिले में पर्यवेक्षण एवं राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई है, तो ये आपका अंबाला के अंदर की गई है। एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि हरियाणा में किस जिले के अंदर पहला साइकिल वेलोड्रोम खोला जाएगा, तो आपको ये हमें बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो हिंदी क्षेत्रीय समिति का जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत तायल जी। हरियाणा के किस विभाग ने गाड़ियों के रंग अलग अलग करने का फैसला किया है, तो हरियाणा के जो आबकारी और कराधान विभाग है इन्होंने गाड़ियों का रंग अलग अलग करने का फैसला लिया है।
इसके बाद मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत कितने दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है? तो मुख्यमंत्री विवाह योजना के अनुसार जो नवविवाहित जोड़ा होता है उनको कुछ राशि दी जाती है, तो आपको 51,000 रुपये दिए जाते हैं और इसका आवेदन आपको कम से कम 30 दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा की मदद किस देश मतलब कौन सा देश करेगा? तो स्मार्ट शहरों को बसाने में हरियाणा की मदद करेगा कनाडा। और आप हमें बताएं कि सबसे लंबी जो आपकी तटीय सीमा है किस देश की है पूरी दुनिया में? तो वो भी आपका क्या है, आपका कनाडा ही रहने वाला है। इसके बाद हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा गठित एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम क्या है? तो हरियाणा राज्य द्वारा गठित एंटी स्क्वाड का नाम है आपका ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन दुर्गा है। इसके बाद बात करें कि कन्फरा समुदाय जो है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो पेहेवा और अस्थल बोहर। हरियाणा का गया किसको कहा जाता है? तो पेहेवा को ही हम हरियाणा का गया भी कहते हैं। पेहेवा कहाँ पड़ता है? आपका कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, और कुरुक्षेत्र के अंदर आपके सबसे अधिक संग्रहालय भी हैं, और थानेसर जो था ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, और ये राजा हर्षवर्धन की राजधानी भी रहा है। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ था? तो 1837 के अंदर हुआ है। इनका संबंध कहाँ से है? पानीपत से है, और अंग्रेज़ों ने इसको किस उपाधि से नवाजा था? तो शमसुल ए उलेमा की उपाधि से इनको नवाजा गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। उर्दू के ये महान कवि थे, और इन्हीं के नाम पे हाल ही पुरस्कार भी वितरित किया जाता है, इन्हीं के नाम पे हाल ही पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका का नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अम्बाला विभाग को समाप्त कर दिल्ली विभाग के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? तो 1886 के अंदर अम्बाला विभाग को समाप्त करके दिल्ली विभाग के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है आपका ये गुड़गांव के अंदर स्थित है। गुड़गांव किसके नाम पे बसाया गया है? तो गुरु द्रोण के नाम पे बसाया गया है। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, उनको दिया जाता है। और इसके उपहार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो लगभग 15 लाख रुपये की राशि भी गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड व्यक्ति को दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शाहजहाँ के शासनकाल में मैनार नौल का दीवान था। शाहजहाँ के शासनकाल में मैनार नौल का दीवान था, तो वो कौन था? मुकुंद दास। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज ज़ादा लियाकत अली खां का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये आपका कहाँ पे हुआ है जी? ये आपका हुआ है करनाल के अंदर। तो दोस्तों आप हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।